विनय, टेल मी समथिंग अबाउट दिस फिल्म. इस फिल्म के बारे में बताइए कुछ. आजकल का जो माहौल है, लाइक बहुत क्राइम हो रहा है और बहुत खून खराबा हो रहा है, ये पिक्चर उसी के ऊपर है, यू नो, कि माफियाज और देश में क्या हो रहा है, लाइक किलिंग्स हो रही है, रेप्स हो रहे हैं. इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, ये पिक्चर उस पर डिपेंड है. अच्छा, आज मुहूर्त में क्या शॉट हो रहा है? मुहूर्त में शॉट है कि मैं दो चार गुंडों का पीछा कर रहा हूँ और वो मिस हो जाता है. इट्स अ वेरी सिंपल शॉट. और ये जो पिक्चर है, ये टोटल एक्शन फिल्म है और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है. आई हैव गॉट अ गुड स्कोप, यू नो, कि मुझे मौका मिला अपना एक्शन बताने का. जैसे मैंने लो मैं आ गया में एक्शन किया था तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उसके बाद मुझे आउट एंड आउट पूरी एक्शन फिल्म मिली. ब्लड देवर साहब ने मुझे लिया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे एक पूरा मौका मिला एक्शन करके दिखाने का. देवर फिल्म्स की एक खासियत है कि उसमें जानवर का रोल हीरो से ज़्यादा अहम होता है, तो इसमें क्या है? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो पिक्चर है, और ये तो सच बात है, क्योंकि मैंने ये पिक्चर इसलिए साइन की क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई कि आई एम डूइंग सच अ गुड बैनर. और मैं खुद जब मैंने हाथी मेरे साथी और माँ सब जो पिक्चरें देखी थी तो मैं खुद रोया था. वेरी इमोशनल फिल्म. और जैसे आजकल जानवरों पे भी अत्याचार हो रहा है, यू नो, जैसे उन्हें मारा जा रहा है और ये किया जा रहा है, तो एक ऐसी पिक्चर आनी बहुत ज़रूरी है. तो इसमें कुछ तरह का है क्या, मतलब जानवरों पे अत्याचार होते हुए या ऐसा कुछ? अगर मैं बता दूंगा सब तो देन, क्योंकि देवर फिल्म्स की एक खासियत है कि उसमें जानवर एक हीरो होता है. डेफिनेटली, हीरो के अलावा भी एक जानवर को इतनी अहम भूमिका दी जाती है. तो इसमें इस तरह के कौन सा जानवर है जिसको आपके साथ पैरेलल ये सब भूमिका मिली? इसमें मेरे साथ हाथी है और डॉग है, पैरेट है. काफ़ी मज़ा आएगा. वेरी एक्साइटेड. जब मैं छोटा था तो कुत्ते को देख डर जाता था और अभी उसी के साथ काम करूँगा. हाथी है तो फिर देखिए मज़ा आएगा काम करने का. आपको क्या लगता है आपका रोल कितना होगा, क्योंकि जानवर इतने हैं तो वो ज़्यादा एम्फेसाइज वो लोग उस पर करते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी फिल्मों में इस तरह का रहा है. अभी जिस तरह हाथी मेरे साथी थी और धर्म जी के साथ जो पिक्चर आई थी उसी तरह हुई, लेकिन ये थोड़ी हटके है, यू नो. हटके मतलब सब बोलते हैं हटके. मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा हटके, लेकिन ये आजकल का जो माहौल है उसी के साथ साथ चलते हुए ये पिक्चर हम लोग बना रहे हैं. आपका क्या कैरेक्टर है इसमें? मैं नहीं बताऊँगा. मैं चाहूँगा कि आप लोग सब देखें इस पिक्चर को और बताएं मुझे कि आप लोगों का आप लोगों को कैसा लगा, यू नो. फिर भी आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं इसमें? आप जैसे अभी बता रहे थे कि आप चेस करते आ रहे हैं, पुलिस वाले हैं, आप गुंडा उसमें है या फिर एक आम इंसान है, क्या? ये अंदर की बात है, बाहर निकालिए. ये मैं चाहूँगा कि उसी दिन बाहर निकले जिस दिन आप लोग सब देखें. ओके, म्यूज़िक किस तरह का होगा? म्यूज़िक है आनंद मिलन जी का, काफ़ी धमाल डांस पे, डांसिंग. और डेफिनेटली मैं डांस करूँगा ही तो. और आनंद जी का म्यूज़िक हमेशा मसालेदार होता है तो म्यूज़िक तो बहुत अच्छा है. राजन देवर के बारे में कुछ? देवर साहब के साथ काम करने का मज़ा है क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि अगेन ये लोग जो होते हैं, जो मद्रास के सब होते हैं, ये लोग सब बहुत पंचुअल होते हैं. समय पर आना, यू नो, अगर 4 बजे का शॉट है तो सवेरे 4 बजे उठ ही जाओ. मतलब उनको क्या है, उनको कुछ मतलब नहीं है एक्टर से. उनको ये है कि एक्टर समय पर आए, अच्छा काम करे, पंचुअल रहे, उनकी पिक्चर जल्दी ख़त्म हो. तो ये सब तो मैं करता ही हूँ. अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि ये क्राइम है इसमें जी, मतलब जो जो चीज़ें हिंदी फिल्म में आती है वो सब इसमें है, तो आप नया क्या दे रहे हैं लोगों को, प्रेक्षकों को, ऐसा कुछ है इस फिल्म में? मैं कुछ नया ही दे रहा हूँ इसलिए मुझे इस बात की खुशी है और आप लोग देखें. मैं उसका जिक्र कीजिए, क्या नया है? मैं बोल रहा हूँ अंदर की बातें, मैं बताना नहीं चाहूँगा. आपको क्या लगता है उम्मीद है फिल्म कैसी चलेगी, किस प्रकार सफलता मिलेगी इसे?
कि दिस इज़ आउट एंड आउट एक्शन फिल्म. मैंने आपसे बताया है जो क्राइम हो रहा है आजकल उसके अगेंस्ट है, और मैं किसी का ऐसा कुछ किसी पे जोर नहीं देना चाहता ये तो कि ये यही चीज़ की वजह से या कुछ. आप लोग देखिए और आप लोग बताइए. टाइटल के बारे में बताइए. टाइटल इतना ख़तरनाक है, ब्लड, और वो भी इंग्लिश टाइटल है, हिंदी में होता क्या? आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिक्चर क्या होगी इस टाइटल से. देखिए अभी आप बता रहे हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है. टोटल एक्शन फिल्म है, अगेंस्ट क्राइम, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग. Vinay, you are so young to be in the industry. One thing I would like to ask you. आप लोगों से कहा कि ये फिल्म क्राइम और इसके पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में ख़त्म करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा या नहीं होगा ये देखिए, पिक्चरें तो बनती रहती हैं और हर आदमी चाहता है कि उसकी पिक्चर हिट हो, और मैं भी यही चाहता हूँ और हमारा पूरा यूनिट भी यही चाहता है. पिक्चर बनती है लोगों को एक मैसेज देने के लिए, एंटरटेन के लिए, यू नो. पिक्चर देखने से लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसका असर काफ़ी पड़ता है जनरेशन्स पे, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन पर भी पड़ता है. तो जो पिक्चर बनती है मेरे ख्याल से बहुत ही लोगों के दिमाग पर बहुत जाकर यू नो लग जाती है कि आप क्या बना रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो लोगों को, उसका असर काफ़ी होता है. तो एक अच्छी पिक्चर बनना और एक अच्छा मैसेज देना अच्छी बात है. आपकी को स्टार्स कौन कौन, मतलब इस पिक्चर में? अभी डिसाइड हो जाएगा.